हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुमित झारखंड और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी जैसा कि ट्रैफिक नियम बहुत ही कड़ा कर देने के कारण से बहुत लोग परेशान हैं, क्योंकि आपको देख सकते हैं सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा आपको प्रशासन और पब्लिक के बीच में देख सकते हैं वीडियो, जो कि मारपीट वाला वीडियो सामने आ रहा है, और जिससे लोगों में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बैड कमेंट्स आते हैं कि प्रशासन ये हुआ। लेकिन जो भी नियम कानून बने सब के लिए बना है, और जहाँ तक हमारे लिए ही बना है। तो दोस्तों, अभी कैसे कुछ नियम ऐसे है कि बिना हेलमेट के चलने वाले के जहाँ 100 रुपया था वहाँ 1000 रुपया कर दिया, बिना ड्राइविंग लाइसेंस का जो था 500 रुपया वो 5000 रुपया कर दिया गया है, और बिना सीट बेल्ट का जो 100 रुपया था वो 1000 रुपया कर दिया है। और अगर बिना आप कागजात का कोई भी वाहन अगर चलाते हैं और ड्राइव करते हैं, तो उनमें से आपको जो कागज़ था 5000 से आपको 10000 रुपया कर दिया। तो सरकार अचानक इतना दुगना कर देना सारे नियमों और इसका लेके, तो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए हो सकता है परेशानी होता होगा। लेकिन जहाँ तक वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। अब जैसे कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था सामने कि एक व्यक्ति थे कि जो कि उनका स्कूटी खरीदे हुए थे 13000 रुपया में, और उनका 22000 ऐसे कुछ चलन कट गया। तो वो बता रहे थे कि मैं एक जॉब करता हूँ जो कि 5 से 6000 रुपया मंथली कमाता हूँ, और इतना मेरा चैनल कट गया, तो मैं क्या करूँ। तो इस तरह से कहने का है कि कहीं ना कहीं तो सरकार का भी ये भी सोच समझ के कदम उठाना चाहिए कि अचानक से दोगुना कर देना, ये हर जगह हर स्टेट में नहीं है, क्योंकि मैं पेपर अखबारों में पढ़ा हूँ, जैसे गुजरात में कुछ अलग है और हमारे यहाँ कुछ दिल्ली में कुछ अलग है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग है, और जहाँ तक प्रशासन भी है कि उसको कड़ाईवाई से कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है, अब जैसे कोई एक वीडियो सामने आया था कि हॉस्पिटल जा रहे थे, उनके पास मात्र 1300 रुपया था और 22000 का उनके पास चालान कट गया। तो आम आदमी को हो रहा थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही परेशानी हो रहा है। तो ये चीज़ भी समझना चाहिए प्रशासन को भी। और मैं तो चाहूँगा कि अगर आप लोग सही मायने में अगर देखा जाएगा, तो आप लोग अगर आपके पास कागज़ पत्र नहीं, तो आप अपना रोड में चलना ही नहीं है ना, ट्रैफिक नियम का आपको सही तरीके से लेना है, पालन भी करना है। तो आप अगर आपके पास इंश्योरेंस, हेलमेट, पैर शूज में जूते नहीं है, तो आप उनको भी पहनना होगा पैर शूज लेके। और एक चीज़ है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस तो मस्ट है, वो तो ज़रूरी है, आपको ड्राइविंग आज हो कल हो आपको बनवाना ही पड़ेगा। और जहाँ तक ट्रैफिक नियम के बारे में है, तो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ट्रैफिक नियम का अगर आप पालन करते हैं तो बहुत ही कम दुर्घटना होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक दोस्त का कॉल आया था कि हम लोग को यहाँ से जाना मैथन, क्योंकि यहाँ से घर 30 से 35 किलोमीटर दूरी पड़ता है, और आपको मान सकते हैं कि अगर आप नेशनल हाईवे में जा रहे हैं तो वहाँ तो आपको चेक इन मिलना ही है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग सफ़र में जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको चेक इन मिलना है। तो अगर आपके अंदर में जान रहे कि मेरे पास पेपर नहीं है, तो अभी आप खास करके मत जाइए रोड में ये सब आपके पास। अगर हाँ, उस तरह आपके पास फाइन भरने का है, और उस तरह का आप है कि हम फाइन भर सकते हैं, मेरे पास पेपर ओके नहीं, तो आप रोड में निकल सकते हैं। तो एक मैं दोस्त को कॉल किया था कि चलो भाई हम लोग के चलना मैथन। तो मैं दोस्त को कॉल किया, तो दोस्त बताया कि यार देखो, मेरे पास गाड़ी तो है, तो मेरे पास पेपर सारा चीज़ ओके नहीं है। तो बोले मेरा गाड़ी जो कि था कि मैं अपना गाड़ी जो मेरा मोटरसाइकिल था, मेरा पेपर तो ओके था। तो मैं बोला कि मेरा गाड़ी सर्विसिंग में दिया हुआ, तो तुम अपना बाइक लेके चलो। तो दोस्त बताया कि मैं नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरे पास तो फाइन भरने के लिए उतना पैसा है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्त को भी डर है कि मैं जा रहा हूँ, अगर रोड में निकलूँगा तो मुझे फ़ाइन भरना पड़ेगा, अगर मैं ट्रैफिक में या कहीं में फंस गया तो मुझे फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसको डर है कि मैं फ़ाइन नहीं भरूँगा, जिसके कारण से आदमी अभी रोड में आपको 100 में आपको हमको लग रहा है कि 10% है आदमी, 10 से 20% आदमी रोड पर अभी चल रहे हैं, जो सारा चीज़ पेपर लेके रोड पर अपना सही है कि मेरे पास सब कुछ है, और वो अपना निडर होकर रोड पर चल रहे हैं। और जिनके पास नहीं है, वो जाने के लिए आपका शहर में, धनबाद जैसे शहर हो गया, तो शहर में जहाँ ट्रैफिक नियम का पालन करना पड़ता है, जहाँ पर चेक इन हो, वो जगह में निडर होकर चलते हैं, क्योंकि उनके पास पेपर है। और जिनके पास नहीं है, कहीं ना कहीं उनको डर है। तो कल मैं जैसे गया था धनबाद, तो धनबाद में देखा बहुत सारे जगह में कि आपको कम कम जगहों में आप देखिएगा कि जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक रहता था वहाँ आप देखिएगा, वहाँ भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा कम से कम आपको गाड़ी मिल गया है जिनके पास पेपर था ही नहीं, पेपर है ही नहीं, और वो डर से लेकर नहीं जा रहे हैं कि अगर हम जाएंगे तो फंसेंगे, तो इतना फाइन, गाड़ी का जितना दाम नहीं उतना उससे ज़्यादा फाइन भरना पड़ रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं दोगुना करके लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी हुआ है, लेकिन कोशिश से अगर टाइम भी जैसे कि बता रहे हैं कि 3 महीना का टाइम दिया गया, अगर आप टाइम भी ले सकते हैं, या तो आप पूरा सारा चीज़ पेपर ओके कर लीजिए, उसके बाद रोड में चलिए, तो हमारे लिए जहाँ तक सही है कि पेपर अपना सही रख कर
चलना बहुत ही अच्छा रहेगा। और जहाँ तक ये ट्रैफिक का अभियान जो चलाया जा रहा है चेक इन को लेकर, ये मतलब बहुत ही अच्छा है और लोगों के लिए मतलब अच्छा ही होगा। कल दिन मतलब ट्रैफिक का हर कोई नियम पालन करेंगे तो घटनाएं जिससे कम होगी। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये रूल और नियम सुनकर, क्योंकि मैं भी एक ड्राइवर जॉब करता हूँ और मुझे भी सारा चीज़ अगर हम अपने झारखंड के अलावा अगर जाते हैं बंगाल में तो वहाँ आपको कड़ा मतलब आपको देखिएगा ट्रैफिक है। अगर सीट बेल्ट नहीं पहनते तो उसमें भी आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। ब्लैक शीशा वाला रहा तो उनका भी मतलब फ़ाइन भरना पड़ेगा। आपको इंश्योरेंस, पोल्यूशन परमिट, सारा चीज़ आपको पेपर ओके रहेगा तभी आप बंगाल में चल पाइएगा झारखंड के बजाय। तो झारखंड में अगर इस तरह का नियम लागू हो जाता तो बहुत ही ये खुशी का बात है। तो आप लोग सारे दोस्तों से मेरा विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना, अगर आप बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल है या आपके पास कार है, तो आप लोग आपका पेपर अगर ओके नहीं तो आप जल्द से जल्द अपना पेपर को ओके कर लें ताकि आपको चलने में कठिनाई नहीं हो। तो बस वीडियो के माध्यम से ही कहना था कि मुझे कि आप लोग सारा चीज़ मतलब पेपर ओके करें तभी रोड में जाए, नहीं तो अगर आपके पास है उस तरह फ़ाइन भरने का तो आप रोड में जा सकते हैं, फ़ाइन भर सकते हैं। क्योंकि प्रशासन ऐसा नहीं चाहता है कि मतलब आपको ज़बरदस्ती कर रहा है, क्योंकि आप गलती करते तभी प्रशासन आपको पकड़ता है। तो दोस्तों बस यही कहना था आज का वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तब आज के लिए बस इतना ही था। बाय।